सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल पीडिया को और बेल आइकन को दबाइए ऑसम वीडियोस के लिए। तो हमारे पास खड़ी है क्रेटा, ये है 1.6 एसएक्स मॉडल, हुंडई का i20, ये है 1.4 डीजल मैग्ना ऑप्शनल मॉडल, मारुति सुजुकी का इग्निस, ये नेक्सा प्रोडक्ट है, ये इसका है जेटा पेट्रोल, ये जो गाड़ी है ये है स्कोडा सुपर्ब LNK फुल्ली ऑटोमेटिक। तो हेलो गाइज, मैं अभी बताना चाहूँगा एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हूरा। एक्चुअली ये जो हूरा ऐप है इसमें आपको सर्विसेज मिलती है लाइक कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग और अंडर बॉडी वॉशिंग, जो भी कार की पूरी वॉशिंग होती है एक एक पॉइंट पकड़ के, ये सारी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है और मैक्सिमम आपका टाइम बचाने के लिए ये आपको सर्विस दे रहे हैं आपके डोर स्टेप पे। तो एक्चुअली कैसा होता है कि अगर आप एक टाइम स्लॉट यहाँ पे बुक कर रहे हैं ऐप के ज़रिए, तो जो भी भाई हमारा रहेगा तो वो आएगा आपके यहाँ पे आपके, और वो भी टाइमिंग जो रहेगा वो लेस देन 30 मिनट में वो आएंगे आपके पास, आपके गाड़ी का पूरा सर्विसिंग पॉलिशिंग करके जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपके गाड़ी में वो अलग शाइन आती है, तो वो सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरा भाई अभी वीडियो देख रहा है तो अभी डाउनलोड करिए इस ऐप को, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ। तो हमारे पास खड़ी है क्रेटा। क्रेटा में ये कौन सा एडिशन रहेगा मैम? ये है 1.6 एसएक्स मॉडल, टॉप वारंटी है ये, इसमें भी सारे फीचर्स आते हैं, एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील से लेके सारे फीचर्स जो है, टच स्क्रीन प्लेयर है, रिवर्स कैमरा है, सारे फीचर्स में इंक्लूडेड है। अच्छा, और इसका ईयर कौन सा बोले? 2015 अगस्त महीने की गाड़ी है। अच्छा, आस्किंग प्राइस? इसका आस्किंग प्राइस है 7,25,000। अच्छा जी, अगर टायर कंडीशन की बात करते तो टायर कंडीशन कैसे रहेंगे मैम इसमें? अभी इसमें 60-70% टायर ग्रिप है। अच्छा जी, ओके। तो और ओनर टाइप कौन सा रहेगा इसमें? फर्स्ट ओनर है, MS30 अकोला नंबर का पासिंग है ये। अच्छा जी, और एवरेज की अगर बात करते तो एवरेज कैसा रहता है मैम इसका? ये पेट्रोल व्हीकल है, इसमें जो एवरेज है ये 15-18 के अबव मिलेगा बीच में। अच्छा जी, हाँ सिटी में, सिटी में हाईवे पे जो है 2 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, तो निगोशिएशन का जो पार्ट रहेगा उसमें कैसा रहेगा मैम इसमें? निगोशिएशन का पार्ट ऐसा है कि इसमें जैसे ऑफर आता है कस्टमर का, अच्छा अगर बेस्ट ऑफर रहा तो जो भी रहेगा रीजनेबल डील हो जाएगा। अच्छा, आस्किंग प्राइस क्या बोले थे आपने? 7,25,000। तो इसका आस्किंग प्राइस है 7,25,000 रुपये। तो ये बेस्ट डील लेने के लिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो सब दिया है, तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए और लेके जाइए। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ जो कि रहेगा हुंडई का i20। i20 में ये कौन सा वेरिएंट रहेगा मैम? ये है 1.4 डीजल मैग्ना ऑप्शनल मॉडल्स, ये 6 गियर वाली गाड़ी है। इसके साथ में इसका इंटीरियर थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे कि इस आस्टा मॉडल में आता है उस टाइप से, 6 गियर प्लस एक रिवर्स, ऐसा 7 वाला मॉडल है ये। 6 गियर उसके साथ एक रिवर्स एड, वैसे पूरा मिला के 7 गियर और डीजल व्हीकल। डीजल व्हीकल, इसका ओनर टाइप कौन सा बोले? ये ओनर टाइप इसका सेकंड है, मेरे यहाँ से ही सोल्ड किया हुआ था, कस्टमर का बहुत अच्छा फीडबैक है। अभी जो लेगा उसको पूरा सर्विस रिकॉर्ड के साथ में गाड़ी मिलेगा, चारों टायर ब्रांड न्यू है, सर्विसिंग अप टू डेट है, सारी चीजें की हुई है गाड़ी में। अच्छा, और इसका ईयर क्या रहेगा? 2011 अक्टूबर 2011 का गाड़ी है ये। अच्छा जी, डीजल वेरिएंट। और इंश्योरेंस वगैरह वैलिड है अभी? इसमें अभी इंश्योरेंस पार्ट नहीं है, जब कस्टमर इसको परचेस करना आएगा तो उसे इंश्योरेंस बना के दिया जाएगा। अच्छा, तो टायर पोजीशन की और बात करता हूं, तो टायर पोजीशन क्या रहेंगे? टायर्स तो अभी चारों चेंज किए हुए हैं, साथ साथ में इसका बैटरी भी न्यू है, बैटरी पे भी चेंज किया हुआ है, प्लस इसका सर्विसिंग भी किया हुआ है। अभी ये गाड़ी 98,000 किलोमीटर चली है, तो 10,000 किलोमीटर तक इसमें अभी सर्विसिंग करने का पार्ट नहीं है। अच्छा, जो भी मेरा भाई अगर ये गाड़ी लेता है तो सिर्फ आपको डीजल डालना है और गाड़ी चलाना है, बाकी एक रुपए का भी काम नहीं है। तो अभी मैं पूछना चाहूँगा इसका आस्किंग प्राइस। इसका आस्किंग है 3,25,000, अराउंड 3 के आसपास इसका डील हो जाएगा। अच्छा जी, तो बेस्ट ऑफर अभी 3 लाख का गाड़ी का रखा है, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो ट्राई करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा ऑन टेबल। तो जल्द से जल्द आइए और लेके जाइए। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ। ये भी एक छोटी गाड़ी रहेगी जिसकी छोटी फैमिली है,
मारुति सुजुकी का इग्निस। इग्निस में मैडम ये कौन सा वेरिएंट रहेगा? ये नेक्सा प्रोडक्ट है, ये इसका है जेटा पेट्रोल। अच्छा, हाँ जी, ये 2021 का मॉडल है, जुलाई महीने का। ये कंपनी वारंटी पे है गाड़ी अभी 2026 तक, यानी इसमें आपको कंपनी से वारंटी जो मिला हुआ है वो अभी इसमें कंटिन्यू है, या तो 1,00,000 किलोमीटर तक रहेगा या फिर 2026 तक रहेगा। अच्छा। उसके साथ साथ गाड़ी जो किलोमीटर रन है बहुत कम है, 14,000 किलोमीटर चला है, सिर्फ 14,000 चला हुआ है। गवर्नमेंट सर्वेंट का कार है, चारों टायर ब्रांड न्यू है। इसमें लगभग एक स्पेस देखा जाए तो स्विफ्ट में जितना आता है उतना ही मिलेगा। अच्छा। इसका शेप बहुत अलग है, बट आपको स्पेसियस है गाड़ी, पर दिखने में 800 जैसी दिखता है, बट इसका हाइट स्पेस बहुत ज्यादा है। अंदर इंटीरियर के हिसाब से देखोगे तो स्विफ्ट की इतना तो आएगा ही। अच्छा जी, तो अभी आस्किंग प्राइस क्या रहेगा इसका? इसका आस्किंग है 6,50,000, 6,50,000 का इसका आस्किंग है। नया गाड़ी 9,30,000 का आता है, 3,00,000 कम में 2 साल पुराना गाड़ी मिल रहा है विद कंपनी वारंटी के साथ में। जैसे अपन शोरूम से गाड़ी लेते हैं, सेम कंडीशन में मिल रहा है अपने, तो 9,30,000 का आता है, तो अभी 6,50,000 के इसमें है। उसमें भी निगोशिएशन का पार्ट है, जो भी होगा वेस्ट टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। तो आपको आना है और गाड़ी लेके जाना है। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो रहेगा एक प्रीमियम सीडान कार, और जिसमें अपने पास खड़ी है स्कोडा की सुपर्ब। मैडम इसका क्या इन्फो रहेगा? ये जो गाड़ी है ये है स्कोडा सुपर्ब LNK, फुल्ली ऑटोमेटिक, पेट्रोल में ऑटोमेटिक वेरिएंट है, फुल सेडान है, फुल फीचर्स के साथ में। एक जो लग्जरियस कार में जितने सारे फीचर्स रहते हैं सारे फीचर्स इसमें हैं। इसका नया जो शोरूम प्राइसिंग है वही है 47,00,000 के आसपास। तो अभी जो गाड़ी का हम लोगों ने रखा हुआ है, 3 साल पुराना गाड़ी है, ये सिर्फ है 28,00,000 में। अच्छा, हाँ, अपने पास 28 का अभी अवेलेबल है, अगर शोरूम में जाते हैं तो 47 वहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हाफ रेंज में भी अवेलेबल है, गाड़ी चला भी बहुत कम है, सिर्फ 36,000 किलोमीटर रन हुआ है। उसके साथ ये ऑटोमेटिक है, सेडान में एक्चुअली और प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादातर लोग ऑटोमेटिक ही प्रेफरेंस करते हैं, तो आप ले सकते हैं, ऐसी गाड़ी है ये। अच्छा, तो जैसे ईयर कौन सा बोले आपने? 2020। हाँ। और टायर कंडीशन वगैरह कैसे रहेगा? टायर कंडीशन तो नए है क्योंकि गाड़ी चली ही बहुत कम है, जो शोरूम से लग के आए वही टायर फिटेड है अभी गाड़ी में। स्टेपनी अनयूज्ड है। तो बहुत ही बेस्ट ऑफर हो रहा है, अगर कोई मेरा भाई लग्जरी गाड़ी अगर लेने का सोच रहा है तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगा। आपको आना है, इसका टेस्ट ड्राइव लेना है, और जो भी आपके छोटे मोटे पॉइंट्स रहते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ज्योति मैम आपको फुल्ली कॉर्पोरेट करेंगे, तो आपको आना है, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना है और लेके जाना। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ हम आपको लेके आए थे कॉम्प्यूटर मोटर्स, जो कि लोकेटेड है चिल्ड्रंस पार्क रोड धर्मपेड नागपुर में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, सारी सेगमेंट की कार हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी है, और आपने एंड तक के ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं बोलना चाहूँगा, जो भी मेरा भाई भी वीडियो देख रहा है उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।